हेलो स्टूडेंट, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी के हिंदी प्लेटफॉर्म पर मैं शंकर झा आप लोगों का स्वागत करता हूं। आप अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन कैसे लें और सब्सक्रिप्शन को लेकर आप क्या क्या बेनिफिट उठा सकते हैं, पहले आप मेरे बारे में जान। मेरे पास 9 वर्षों के टीचिंग का एक्सपीरियंस, मैंने दिल्ली और दिल्ली के बाहर देश के कई प्रतिष्ठित और शहरों में पढ़ाया है। मैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर तथा सामान्य अध्ययन का शिक्षण कराता हूँ। मैंने यूपीएससी के 2 बार इंटरव्यू दिए हैं, बीपीएससी का मैंने 3 बार इंटरव्यू दिया है और आरपीएससी के मैंने 1 बार इंटरव्यू। ये मेरा अनअकैडमी का टेलीग्राम लिंक है, आप इसे ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि क्लास से संबंधित जो टाइम होता है, जो क्लास पीडीएफ होती है और जो पेपर कटिंग होती है, आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। अब आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से जाके अकेडमी का एक लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा, तब आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन और उसके प्रोग्राम का बेनिफिट उठा सकते हैं। जब आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको क्या-क्या बेनिफिट मिलता है? इसमें आपको डेली लाइव क्लास मिलता है जिसमें आप अपने एडुकेटर के साथ एंगेज होकर डिस्कशन करके क्वेश्चन पूछ के क्लास से संबंधित जो भी डाउट होता है उसको क्लियर कर लेते हैं। तो आपको लाइव टेस्ट और क्विज मिलता है जिसमें डेली बेस के आधार पर आपको पीटी और मेंस का टेस्ट दिया जाता है। तीसरा, आपको एक स्ट्रक्चर कोर्स की प्राप्ति होती है जिसके तहत एक निर्धारित समय में आपको यूपीएससी के पीटी और मेंस का सिलेबस कवर करा दिया जाता है। और चौथा, आप अनलिमिटेड एक्सेस को प्राप्त करते हैं, अर्थात आप भीड़ का हिस्सा नहीं बनते, देश के सबसे लार्जेस्ट ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म से जुड़ जाते हैं, देश के टॉप एडुकेटर से मार्गदर्शन लेते हैं और अनअकैडमी के द्वारा चलाए गए मोर देन 15,000 से भी अधिक प्रकार के कोर्सेज जो यूपीएससी के पीटी मेंस और इंटरव्यू गाइडलाइन प्रोग्राम से संबंधित है, आप उसका बेनिफिट उठाते हैं। इस प्रकार आप अनअकैडमी के एक सब्सक्रिप्शन से मल्टी बेनिफिट को प्राप्त करते हैं। अनअकैडमी के जीएस का 2 प्रकार का सब्सक्रिप्शन है, एक प्लस कोर्स का है और दूसरा जो है वो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है। तो प्लस कोर्स के 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन फीस 49,500 है और 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन फीस 72,000 है। लेकिन यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर YT प्रयोग करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है ये 44,550 में और 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको 64,800 में प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का 12 मंथ का 74,500 का है और 24 मंथ का यह 1,15,750 का है। लेकिन यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर YT प्रयोग करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो 12 मंथ का जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है आपको 67,050 में और 24 मंथ का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आपको 1,04,175 में प्राप्त हो जाएगा। और अनअकैडमी के द्वारा जो है सो आपकी सुविधा को ख्याल में रखते हुए एक कम्बो प्लान की शुरुआत की गई कि यदि आप प्लस कोर्स ऑप्शनल पेपर और जीएस का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 12 मंथ का यह सब्सक्रिप्शन जो है 88,705 का है, 24 मंथ का जो है 1,21,510 का है। लेकिन यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर YT प्रयोग करेंगे तो आप यहाँ भी 10% डिस्काउंट पा जाएंगे। और यदि आप दोनों ही प्लस कोर्स का लेते हैं, जीएस का भी और ऑप्शनल पेपर का भी, तो 12 मंथ का जो यह सब्सक्रिप्शन है 70,103 का है और 24 मंथ का यह सब्सक्रिप्शन 99,680 का है। और यदि आप मेरा रेफरल कार्ड शंकर YT प्रयोग करेंगे तो आप यहाँ भी 10% डिस्काउंट को प्राप्त कर जाएंगे। और अनअकैडमी के द्वारा जो है सो 18 फरवरी से कई सारे बैचेज स्टार्ट किए जा रहे हैं। 6 मंथ बैचेज यूपीएससी कोर्स फॉर प्रीलिम्स के लिए है, फिर 1 साल का 2022 के लिए है, 2 साल का 2023 के लिए और एनसीईआरटी आधारित जो यूपीएससी प्रीलिम्स पोकर बैच है वो चलाया जा रहा है। तो आप इसमें से किसी भी बैच का सब्सक्रिप्शन लेके अपने घर बैठे यूपीएससी का प्रिपरेशन कर सकते हैं और अनअकैडमी के मार्गदर्शकों के नेतृत्व में अपनी सफलता को आप सुनिश्चित कर सकते हैं, वो भी आप घर बैठे। और अनअकैडमी का जो नेक्स्ट कॉम्बैट का आयोजन होगा वो आप उसमें पार्टिसिपेट करें। और ये जो नेक्स्ट कॉम्बैट है वो बेसिकली 28 फरवरी को होगा और 28 फरवरी को जिसकी टाइमिंग है वो 11 AM में है, उसमें पार्टिसिपेट करें। और अगला जो अनअकैडमी का एक मेगा ट्रांसफर समिट हो रहा है तो 21 और 20 फरवरी को है, आप इसमें पार्टिसिपेट करें, रजिस्टर्ड करें अपने आप को और तब आपको ढेर सारे प्राइजेज जीतने का अवसर प्राप्त होगा। और जब आप, जैसे मैंने पहले ही बताया था कि आपको अनअकैडमी का जो 28 फरवरी को कॉम्बैट हो रहा है इसमें पार्टिसिपेट करें, मेरा जो रेफरल कोड है शंकर YT आप उसका यूज़ करें और कई सारे प्राइजेज आप इसमें
सकते हैं। तो आइए, सभी का जो है मॉडर्न इंडिया के इस सीरीज में जो चल रहा है ब्रिटिश एक्सपेंशन, उसमें आप सभी का स्वागत है। तो अभी बेसिकली हम लोग चल रहे हैं आधुनिक भारत के सीरीज में, चल रहे हैं मॉडर्न इंडिया के सीरीज में। और आधुनिक भारत के इस सीरीज में हम लोग बेसिकली जो मूल टॉपिक का नाम है वो है ब्रिटिश शक्ति का विस्तार, ब्रिटिश शक्ति का एक्सपेंशन हम लोग पढ़ रहे हैं, ब्रिटिश शक्ति का विस्तार पढ़ रहे हैं भारत में, ब्रिटिश शक्ति का विस्तार। और ब्रिटिश शक्ति के विस्तार में आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं वो हो जाएगा, उस टॉपिक का नाम है आज के टॉपिक का हो जाएगा, इसमें हम लोग आंग्ल सिख युद्ध पर चर्चा करेंगे, आंग्ल सिख युद्ध। और ये जो हो जाएगा आंग्ल सिख युद्ध जो है वो ब्रिटिश एक्सपेंशन का सबसे लास्ट दौर हो जाएगा, जो प्रमुख एक्सपेंशन का दौर होता है भारत में वो। क्योंकि तो अभी तक आप इस ब्रिटिश एक्सपेंशन वाले टॉपिक में क्या क्या पढ़ चुके हैं आप उसी से अंदाजा लगा सकते हैं। अभी तक आप इस ब्रिटिश एक्सपेंशन वाले टॉपिक में पहला आप पढ़ चुके हैं कि जो आंग्ल कर्नाटक युद्ध हुआ था, उस कर्नाटक युद्ध के बारे में आप पढ़ चुके हैं, जो चीन कर्नाटक युद्ध। दूसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, तो जो चार मैसूर युद्ध हुए थे और किस तरीके से मैसूर में ब्रिटिश सत्ता का विस्तार हुआ था वो आप पढ़ चुके हैं। तीसरा जो मैसूर के बाद उससे पहले आप बंगाल में ब्रिटिश सत्ता का विस्तार कैसे हुआ था, तो बंगाल में जो ब्रिटिश सत्ता का विस्तार है, बंगाल में ब्रिटिश सत्ता का विस्तार, इसको आप पढ़ चुके हैं। विस्तार जो प्लासी और बक्सर का बैटल हुआ था वो। और चौथा आपने इससे प्रीवियस वीडियो में मराठा के साथ जो संघर्ष हुआ था, तो वो आप आंग्ल मराठा संघर्ष के रूप में इस टॉपिक को जान चुके, आंग्ल मराठा युद्ध, जो तीन आंग्ल मराठा युद्ध हुए थे वो। तो भारत में जो ब्रिटिश एक्सपेंशन का दौर चलता है, जो खासकर तो शुरुआत इसकी होती है दक्षिण भारत से आंग्ल कर्नाटक युद्ध में, वो बांडिवास के युद्ध में जो बेसिकली 1760 में होता है, उसमें फ्रांसीसी को पराजित करते हैं और फ्रांसीसी को सीमित कर देते हैं। उससे पहले 1769 में बेदरा का युद्ध होता है और 1769 में बेदरा के युद्ध में डचों को पराजित करके भारत से सीमित देते हैं। फिर ये युद्ध कहाँ पहुंचता है, तो बंगाल पहुंचता है। और बंगाल में दो युद्धों के बाद, यानी कि जो 1757 में प्लासी और 1764 में बक्सर के युद्ध के बाद, बंगाल पर लगभग ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी उसका आधिपत्य स्थापित हो जाता है। और फिर चार जो एंग्लो मैसूर वॉर होता है, जिसमें एक आप देखा था कि 1767 से लेके जो 69 तक हुआ था वो पहला, दूसरा जो 1780 से लेके 84 तक हुआ था वो दूसरा, फिर 1790 से लेके 92 तक तीसरा, और 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। और इसके बाद मैसूर को पूरी तरीके से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था, एक छोटा सा एरिया देके वहां पर रखा गया था। उसके बाद आपने आंग्ल मराठा संघर्ष में देखा कि तीन आंग्ल मराठा वार हुआ था, जिसमें प्रथम आंग्ल मराठा वार 1775 से लेके जो 1782 में, दूसरा आंग्ल मराठा वार जो 1803 से लेके 1806 तक, और चतुर्थ जो 1817 से 1818 के बीच हुआ था तीसरा। इन तीनों युद्ध में मराठों को डिफिट करने के बाद किस तरीके से जो है सो लगभग सभी मराठा क्षेत्र जो कॉन्फेडरेसी का है सभी अंग्रेजी साम्राज्य में शामिल कर लिया जाता है, केवल सतारा का राज्य थोड़ा सा बनाए रखा जाता है और वहां पर शिवाजी के एक वंशज को बैठा दिया जाता है। तो भारत में जो मेन ब्रिटिश विस्तार का दौर है वो आखिरी पड़ाव आंग्ल सिख वॉर है। इसके बाद भी इनका विस्तार का दौर जारी रहेगा, अवध का विलय करेंगे, फिर सिंध का जो विलय इससे पहले ही हो जाता है। तो अवध का विलय एक जब हम लोग गवर्नर जनरल के काल में लॉर्ड डलहौजी को पढ़ेंगे उस समय कर लेंगे। और उसके बाद जो आंग्ल अफगान वार होता है, जो बर्मा का भारत में विलय होता है, ये जैसे बर्मा का विलय जो होगा लोअर बर्मा पीगू का, तो बेसिकली लोअर बर्मा पीगू का जो विलय होता है वो लॉर्ड डलहौजी के काल में होता है। तो जब हम लोग लॉर्ड डलहौजी को एज ए गवर्नर जनरल के रूप में पढ़ेंगे तो मैं इसमें इसको समेट लूंगा, आपको बता दूंगा कि किस तरीके से बर्मा युद्ध हुआ था और कैसे कैसे हुआ था। और एंग्लो अफगान वार, जो तीन एंग्लो अफगान वार हुए थे, वो बेसिकली एक भौगोलिक सीमा प्राप्त करने के लिए किया गया था। तो जिस जिस गवर्नर जनरल के शासन काल में
आंग्ल अफगान युद्ध हुआ, वो भी हम आपको बता देंगे। एक आंग्ल नेपाल युद्ध है, तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में, लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में आंग्ल नेपाल युद्ध होता है। तो वो जब लॉर्ड हेस्टिंग्स को गवर्नर जनरल के रूप में पढ़ेंगे तब, यानी कि आंग्ल सिख जो भारत में है वो ब्रिटिश पावर के विस्तार का जो है अंतिम पड़ाव आप मान सकते हैं। हालांकि विस्तार अभी भी जारी रहेगा, भारत में भी आप देखेंगे आगे चलकर अवध का कुछ 6-7 सालों के बाद विलय होगा, और भारत के बाहर जो है इनकी प्रक्रियाएं चलती रहती है। तो लेकिन जो आंग्ल सिख वार है, तो वो हमें पंजाब का विलय किस तरीके से होता है और किस तरीके से करते हैं वो हमें जानने की जरूरत है। तो पंजाब के विलय के क्रम में क्या होता है कि दो आंग्ल सिख वार होता है, दो आंग्ल सिख वार होता है, और जो दो आंग्ल सिख वार होता है सिखों के साथ अंग्रेजों का होता है, उसमें पहला जो सिख वार होता है जिसको प्रथम आंग्ल सिख वार हम लोग कहते हैं, तो फर्स्ट आंग्ल सिख वार जो होता है वो 1845 से लेके 46 के बीच होता है, और जो द्वितीय आंग्ल सिख वार होता है वो बेसिकली 1848-49 में होता है, 1848-49 में होता है। तो प्रथम आंग्ल अफगान, प्रथम जो एंग्लो सिख वार है ये, और ये द्वितीय है, और द्वितीय जो आंग्ल सिख वार होता है उसके बाद ही 1849 में लॉर्ड डलहौजी, उस समय भारत का गवर्नर जनरल है, तो लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में क्या होता है, लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया जाता है। लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में, लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में तो पंजाब का क्या होता है, इसके शासन काल में विलय कर लिया जाता है। ये तो एक समराइज करके मैंने आपको बता दिया, लेकिन अब हमको इसको डिटेल से जानना है। तो जो प्रथम एंग्लो सिख वार होता है उसमें हमें चलना है। तो प्रथम आंग्ल सिख वॉर, तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो है, और हम इसमें डायरेक्ट युद्ध पर इसलिए आ चुके हैं क्योंकि सिख राज्य के बारे में हम जो 18वीं शताब्दी के क्षेत्रीय राज्य हैं उसमें आपको बता चुके हैं कि रंजीत सिंह के अधीन किस तरीके से सिख राज उत्थान होता है, कैसे मिसल अस्तित्व में आते हैं। तो यदि आपने वो वीडियो देखा होगा तो आपकी कनेक्टिविटी वेल रहेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि आपने नहीं भी देखा है वो प्लेलिस्ट में आप सिख राज्य को जाकर देख लेंगे तो आपका ये वीडियो कंप्लीट सेक्शन में आ जाएगा। तो हमें इसे तीन सेक्शन में देखना है। सबसे पहले हमें देखना है कि प्रथम आंग्ल जो सिख युद्ध हुआ था, इस प्रथम आंग्ल सिख युद्ध का कारण क्या था, ये हमें देखना है। कारण के बाद हमें देखना है कि युद्ध का जो घटनाक्रम है, युद्ध का घटनाक्रम कैसे चलता है, ये हमें देखना है युद्ध के घटनाक्रम के बारे में। और युद्ध के घटनाक्रम के बाद हमें इसका जो परिणाम होता है उस परिणाम के बारे में हमें देखना है। तो प्रथम आंग्ल सिख वार का जो कारण हो जाएगा और वो किन किन कारणों से होता है, कैसे होता है, तो वो हमें देखना है। सबसे पहला हो जाएगा कि ये जो युद्ध था अंग्रेजों की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा का परिणाम था, या साम्राज्यवादी विस्तार का परिणाम था, साम्राज्यवादी विस्तार का परिणाम था। और साम्राज्यवादी विस्तार का क्या परिणाम था इस पर हम डिटेल से चर्चा करेंगे। इसी साम्राज्यवादी विस्तार के परिणाम के तहत हमें देखने को मिलेगा कि इसी साम्राज्यवादी विस्तार के परिणाम के तहत हमें देखने को मिलेगा कि लॉर्ड डफ के द्वारा, या जो उस समय लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा, लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा क्या किया जाता है, युद्ध की तैयारी शुरू कर दी जाती है। लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा युद्ध की तैयारी की जाती है, युद्ध की तैयारी लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा, और लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा युद्ध की तैयारी की जाती है, इसको देखते हुए सिख शक्ति जो है वो चौकन्नी हो जाती है। और लॉर्ड हार्डिंग क्या करता है कि सिख राज्य के चारों तरफ सिख राज्य के चारों तरफ अपनी सेना, चारों तरफ अपनी सेना नियुक्त कर दी जाती, अपनी सेना यानी ब्रिटिश सेना, अपनी सेना नियुक्त कर दी जाती है, नियुक्त कर दी जाती है। और ये जो सिख सेना नियुक्त कर दी जाती है, तो एक तरीके से ये सिखों को भड़काने वाला और धमकाने वाला जो था तो कदम था।
और साथ ही सिख राज्य पर आक्रमण करने के लिए सतलज नदी पर क्या किया जाता है अंग्रेजों के द्वारा, सतलज नदी पर पुल का निर्माण किया जाने लगता है, जो पोल्टून होते हैं एक तरीके से काम चलाओ करने के लिए, पोल्टून नाव ये सारे चीजें इकट्ठा कर लिया जाता है, मंगवाया जाता है। कहाँ से? तो बम्बई से मंगवाया जाता है, बम्बई परिषद से ये सारी चीजें मंगाई जाती है। बेसिकली ये जो अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति थी उसका जो परिणाम था, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, तो लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा तैयारी युद्ध की जाती, इसका कुछ ना कुछ रीजन होगा। सिख राज्य के चारों तरफ अपने सेना नियुक्त कर देता है ब्रिटिश सरकार, इसके पीछे भी कुछ प्रयोजन या कुछ जरूर कारण रहा होगा। और सतलज पार करने के लिए, चूंकि सिख राज्य सतलज पार था, आपको याद होगा कि 1809 ईस्वी में रंजीत सिंह और चार्ल्स मेटकॉफ के बीच एक अमृतसर की संधि हुई थी, और उस अमृतसर की संधि के तहत क्या था कि सतलज नदी को दोनों राज्य की सीमा मान ली गई थी, कि सतलज से पश्चिम का, अर्थात यदि इसको आप भारत के मानचित्र पर देखना चाहेंगे तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर हमें दिखाई देगा कि ये जम्मू कश्मीर का एरिया हो जाएगा यहाँ पर, तो ये एरिया हो जाएगा यहाँ पर है, सतलज नदी ऐसे आती है ये, तो सतलज के इधर का जो एरिया था ये सिख राज्य को स्वीकार कर लिया गया था, और इधर का जो एरिया था वो ब्रिटिश राज्य को स्वीकार कर लिया गया था। कब? तो रंजीत सिंह के समय में ही, 1809 ईस्वी में चार्ल्स मेटकॉफ के द्वारा एक मित्रता की संधि की गई थी उसके तहत। तो यहाँ पर अब सतलज नदी पार करके इनको आक्रमण करना है सिख राज्य पर, तो सतलज नदी पर इसलिए पुल, पोल्टून पुल, नाव, इस तरीके से चीजें जमा की जाने लगती है, और ये सारी चीजें बम्बई परिषद के पास से मंगाया जाता है। लेकिन ये जो सारी चीजें ब्रिटिश सरकार के द्वारा की जाती है, युद्ध भड़काने के लिए सिखों को भड़काने का जो काम किया जाता है, इसके पीछे जो मूल कारण था वो क्या था वो आप ध्यान से देखेंगे। इससे पहले क्या हुआ था कि 1839-40 के बीच, या 1839 से 42 के बीच क्या हुआ था, प्रथम एंग्लो अफगान वार हुआ था, प्रथम आंग्ल अफगान वार। तो इससे पहले क्या हुआ था, प्रथम आंग्ल अफगान वार हुआ था, और ये जो प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था, इस युद्ध में क्या हुआ था कि ब्रिटिश सरकार की शर्मनाक पराजय हुई थी। इसमें क्या हुआ था, ब्रिटिश सरकार की यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की, ब्रिटिश सरकार की शर्मनाक पराजय हुई थी, शर्मनाक पराजय। और ये जो शर्मनाक पराजय हुई थी, तो इसी प्रथम एंग्लो अफगान युद्ध के समय वो क्षेत्रों का सामरिक महत्व स्पष्ट हो चुका था, वह एक था पंजाब राज्य। इसका जो है सामरिक महत्व पता चला था अंग्रेजों को किस समय, तो जब वो प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध में पराजित हुए थे तब पंजाब का सामरिक महत्व पता चला था। और दूसरा, इसी एंग्लो अफगान वार के समय सिंध के सामरिक महत्व का भी इन्हें पता चल गया था। कैसे? तो थोड़ा सा यदि हम इस डायग्राम को थोड़ा सा आपको बना के दिखाएं तो आप इन चीजों को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि कैसे इसका सामरिक महत्व का पता चल चुका था। बेसिकली उस समय क्या था कि रूस के विस्तारवादी भाई को देखते हुए अंग्रेज क्या चाहते थे, अफगानिस्तान में अपना प्रभाव बनाना चाहते थे या अफगानिस्तान में अपने मित्र शासक को बैठाना चाहते थे। पहले तो इनकी नीति थी कि हमें इस पर कब्जा कर लेना है और यहाँ पर अपना प्रभाव, तो ये भारत हो जाएगा। यहीं पर आप देखेंगे कि यदि इसको थोड़ा सा मैं और एक्सटेंस कर दूं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये सिंधु नदी हो जाएगी इस तरीके से, और सिंधु के सहायक के रूप में ये कौन सी हो जाएगी, सतलज नदी हो जाएगी। अभी आपको बताया कि सतलज के पश्चिम का जो एरिया होगा वो सिख राज्य था, और पूर्व का जो एरिया था वो ब्रिटिश राज्य था, ये यहाँ पर अफगानिस्तान हो जाएगा। तो जो प्रथम आंग्ल अफगान वार हुआ था, इसमें क्या हुआ था कि अंग्रेज पराजित इसलिए हुए थे क्योंकि यहाँ पर जो सिंध था, इस सिंध का सामरिक महत्व पता चल चुका था, और पंजाब का भी, क्योंकि पंजाब के शासक ने, जो भी उस समय के थे, खडग सिंह, ननिहाल सिंह, क्योंकि रणजीत सिंह के मरने के बाद तो छोटे छोटे शासक आ जाते हैं, पंजाब के शासक ने पंजाब से होते हुए सैनिक साजो सामान लेकर अफगानिस्तान अंग्रेजों को जाने नहीं दिया था। और इसलिए क्या हुआ कि सही समय पर अंग्रेजों को रसद की आपूर्ति नहीं हो पाई, हथियार गोले बारूद की आपूर्ति नहीं हो पाई, तो इसलिए क्या हुआ वो अफगान मोर्चे पर पराजित हो, और जब अफगान मोर्चे पर पराजित हो गए तो अफगानिस्तान पर नियंत्रण करने के ध्यान को रखते हुए
पंजाब का जो सामरिक महत्व है अंग्रेजों को पता चल चुका था। उनको यह लग गया कि पहले अफगानिस्तान पर नियंत्रण करने से पहले हमें सिंध को जीतना होगा और पंजाब को जीतना होगा, तभी हम अफगानिस्तान पर अपने हथियार, गोला बारूद, रसद को पहुंचा सकते हैं और तब अफगानिस्तान पर कब्जा कर सकते हैं या वहां के शासक को डरा धमका कर उसको अपने प्रभाव क्षेत्र में ला सकते हैं। क्योंकि उस समय यहाँ पर क्या था ना कि ईरान और रूस की मित्रता थी, और बेसिकली क्या था कि इस समय रूसी एम्पायर का प्रभाव यहाँ तक था, यहाँ तक। तो रूस यदि अफगानिस्तान पर कब्जा कर लेता तो ब्रिटेन के भारतीय साम्राज्य पर दबाव आ जाता। इसलिए उसने क्या किया, एक फॉरवर्ड पॉलिसी अपनाते हुए लॉर्ड लिटन के समय में अफगानिस्तान पर भी, उससे पहले भी नियंत्रण करने का प्रयास किया। लेकिन प्रथम एंग्लो अफगान वॉर में क्या हुआ कि ना तो पंजाब के शासकों ने और ना ही सिंध के शासकों ने यहाँ से होकर इनको रसद ले जाने दिया। इसके कारण क्या हुआ कि इनकी हार हुई, और उसी के समय यह क्लियर हो गया कि जो पंजाब का है वो विशेष सामरिक महत्व है, और इसी सामरिक महत्व को ध्यान में रखते हुए युद्ध किया जाता है। और इसके बाद क्या होता है कि युद्ध की शुरुआत होती है, और जब युद्ध का घटनाक्रम चलता है इस प्रथम एंग्लो अफगान वॉर में, तो युद्ध का जो घटनाक्रम चलता है वो कैसे चलता है और किस प्रकार से चलता है वो आपको ध्यान में रखना है। तो प्रथम एंग्लो अफगान युद्ध का जो सॉरी प्रथम एंग्लो सिख युद्ध का जो घटनाक्रम है, युद्ध का घटनाक्रम, तो युद्ध का जो घटनाक्रम है इसमें क्या क्या होता है और किस तरीके से चीजें होती है वो आप ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले 11 दिसंबर 1845 को युद्ध की शुरुआत की जाती है जनरल ह्यू गफ के द्वारा। ह्यू गफ के द्वारा युद्ध की शुरुआत की जाती है, और इसमें चार लड़ाइयां लड़ी जाती है। ये जो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध है इसमें चार लड़ाइयां लड़ी जाती है, लेकिन जो चार लड़ाइयां लड़ी जाती है वो अनिर्णायक होता है। तो जो चार लड़ाइयां लड़ी जाती है और निर्णायक वो कौन कौन सा निर्णय है, तो वो एक है मुदक्की का युद्ध है जो अनिर्णायक रहा था, दूसरा एक फिरोज शाह का युद्ध है जो अनिर्णायक रहा था, मुदक्की फिरोज शाह का, फिर जो बद्दोबाल का युद्ध था वो अनिर्णायक रहा था, बद्दोबाल के युद्ध के बाद जो आलीवाल का युद्ध था वो भी अनिर्णायक रहा था। ये चार युद्ध अनिर्णायक रहे थे, लेकिन पांचवा जो युद्ध लड़ा गया था वो 10 फरवरी 1846 को लड़ा गया था, और 10 फरवरी 1846 को जो लड़ा गया था उसको हम लोग कहते हैं साबराव का युद्ध, साबराव का युद्ध। और ये जो साबराव का युद्ध होता है, इस युद्ध में सिखों को पराजित किया जाता है। इस युद्ध में क्या होता है, सिख पराजित होते हैं, और जब सिख पराजित होते हैं तो सिख पराजित होने के बाद इनके साथ एक संधि की जाती है, और वो संधि होती है 9 मार्च 1946 को, 9 मार्च 1946 को होती है। और इस संधि को हम लोग क्या कहते हैं, लाहौर की संधि कहते हैं, लाहौर की संधि कहते हैं। इस लाहौर की संधि पर क्या होता है कि जो सतलज और ब्यास के नदियों के बीच जो सिख का क्षेत्र था अंग्रेजों के अधिकार में आ गया, जो क्षतिपूर्ति थी वो कई सारी चीजें देनी पड़ी, ये आपको ध्यान में रखना है। तो लाहौर की संधि के तहत जो है सो युद्ध अंत होता है, लेकिन इसके कुछ समय के बाद क्या होता है कि लाहौर की संधि के बाद क्या होता है कि 1946 में ही एक पूरक संधि की जाती है। 1946 में ही क्या होता है, एक पूरक संधि की जाती है, और 1946 में जो एक पूरक संधि की जाती है उसको कहा जाता है भैरोवाल की संधि कहते हैं, भैरोवाल की संधि। ये जो पूरक संधि होती है भैरोवाल की संधि, इस संधि के तहत क्या होता है, इस भैरोवाल की संधि जो सिख के साथ अंग्रेज करते हैं, इसके दो प्रमुख नॉर्म्स हैं जो आपको याद रखने हैं। इसमें एक है कि एक ब्रिटिश सेना जो है, ब्रिटिश सेना की टुकड़ी, ब्रिटिश सेना की टुकड़ी, ब्रिटिश सेना की जो टुकड़ी है, ब्रिटिश सेना की टुकड़ी महाराजा की सुरक्षा के लिए, ब्रिटिश सेना की टुकड़ी महाराजा की सुरक्षा के लिए, महाराजा की सुरक्षा के लिए दरबार में रख दी गई, सुरक्षा के लिए दरबार में रख दी गई। कहाँ पर, दरबार में रख दी गई, बेसिकली रख दी गई सिख दरबार में महाराजा की सुरक्षा के लिए रहेगी। बेसिकली यह था एक तरीके से सिख दरबार में ब्रिटिश दबदबा को बढ़ाने की नीति थी। हाँ, लेकिन इसके बाद जब भी युद्ध होता है तो इसका अर्थ है कि जब पूरी सुरक्षा आपके जिम्मेदारी पर है और तब आगे युद्ध होगा,
तो ये युद्ध अंग्रेजों ने थोपा था, अगला युद्ध एक तरीके से, क्योंकि भैरोवाल की जो पूरक संधि थी इसके तहत यदि पंजाब में कोई अराजक स्थिति उत्पन्न होती है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? ब्रिटिश सैनिक होगा, कंपनी होगी, क्योंकि कंपनी ने ही वहां पर एक सहायक सेना की टुकड़ी महाराजा के दरबार में रख दी थी। और इससे पहले जो लाहौर की संधि हुई थी, तो लाहौर की संधि के तहत जो है ना अंग्रेजों को कई प्रकार के लाभ प्राप्त हुए थे, कई प्रकार के लाभ, इनको क्षेत्र की प्राप्ति हुई थी, आर्थिक हर्जाने की प्राप्ति हुई थी, ये आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। इसके बाद लेकिन यहाँ पर पंजाब का विलय नहीं किया जाता, ये ध्यान में रखेंगे। इसके बाद जो सेकेंड एंग्लो जो सेकेंड है आंग्ल सेकेंड जो एंग्लो सिख वॉर होता है वो आपको देखना है। तो नेक्स्ट हो जाएगा द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो है ये भी हमें तीन तरीके से जानना है कि द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो है इसका कारण क्या था, कारण के बाद हमें युद्ध का जो है उसी तरीके से घटना क्रम देखना है कि घटनाक्रम, और इसका परिणाम क्या होता है वो तो सभी को पता है कि इस युद्ध के बाद जो है सो 1849 में पंजाब का विलय कर लिया जाता है। तो जो सेकेंड एंग्लो सिख वार था इसका जो पहला कारण था वो क्या था कि पंजाब के आंतरिक मामलों में ब्रिटिश सरकार का हस्तक्षेप, पंजाब के आंतरिक मामलों में, पंजाब के आंतरिक मामलों में कंपनी का हस्तक्षेप, कंपनी का हस्तक्षेप इसका एक प्रमुख कारण हो जाएगा, क्योंकि वो जो भैरोवाल की संधि के तहत एक सेना की टुकड़ी और महाराजा की सुरक्षा के लिए रखा गया था, वो सेना की टुकड़ी ने क्या किया था, अब सिखों के यानी कि जो सिख राज्य का आंतरिक प्रशासन है उसमें हस्तक्षेप करना वो शुरू कर दिया था। तो ये इसका एक प्रमुख कारण था। दूसरा इसका कारण हो जाएगा कि इसी समय क्या होता है कि जो मुल्तान का प्रांतपति है, अंग्रेजों के द्वारा क्या किया जाता है कि मुल्तान के प्रांतपति को हटाकर मुल्तान के प्रांतपति का विद्रोह होता है। मुल्तान के प्रांतपति जिसका नाम है मूलराज, मुल्तान के प्रांतपति मूलराज का विद्रोह। तो मूलराज का जो विद्रोह होता है ये ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट होता है, और मूलराज का विद्रोह क्यों होता है इसका रीजन ये था कि ब्रिटिश सरकार ने क्या किया था कि जो मुल्तान का प्रांतपति था वो अपने संरक्षण में काहन सिंह को बना दिया था, काहन सिंह को बना दिया था, काहन सिंह को बना दिया था। तो उसी के कारण क्या था कि मुल्तान के प्रांतपति जो मूलराज था उसका विरोध होता है, और काहन सिंह को जब यहाँ पर प्रांतपति बनाया था तो काहन सिंह को अधिकार देने दिलाने के लिए, काहन सिंह को अधिकार दिलाने के लिए यानी कि चूंकि उसने विद्रोह कर दिया था मूलराज ने, और वो काहन सिंह को जो है सो प्रांतपति बनने नहीं देना चाहता था, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी काहन सिंह को अधिकार दिलाने के लिए दो अधिकारी को भेजता है, कंपनी के दो अधिकारी को काहन सिंह के साथ भेजता है, दो अधिकारी को भेजता है। और ये जो दो अधिकारी भेजता है इसकी क्या होती है कि पंजाब में हत्या कर दी जाती है, पंजाब में हत्या कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती है। और हत्या इसलिए कर दी जाती है इन दोनों अधिकारियों की, बेसिकली इनका जो अभद्र व्यवहार था, इनका जो अभद्र व्यवहार था उस अभद्र व्यवहार के कारण, जो है अभद्र व्यवहार के कारण इन दोनों अधिकारियों की हत्या कर दी जाती है। इससे पंजाब का माहौल और खराब हो जाता है, और मुल्तान के प्रांतपति के विद्रोह को देखकर इससे एक और विद्रोह भड़कता है जिसको हम लोग कहते हैं छतर सिंह अटारी वाला ने भी विद्रोह कर दिया था अंग्रेजों के विरुद्ध, छतर सिंह अटारी वाला ने विद्रोह कर दिया था। ये चौथा इसका कारण ये था कि अंग्रेजों ने सिखों ने क्या किया था कि अफगानों के साथ मैत्री संबंध स्थापित कर लिए थे, अफगानों के साथ मैत्री संबंध स्थापित कर लिए थे, अफगानों के साथ मैत्री संबंध किसने स्थापित कर लिया था,
तो सिख ने अफगानों के साथ मैत्री संबंध स्थापित कर लिए थे। तो अब क्या था कि इन्हीं पृष्ठभूमि में आपको सेकेंड एंग्ल सिख वॉर को समझना है। पहला क्या था कि पंजाब के आंतरिक मामलों में कंपनी का हस्तक्षेप, जो कंपनी भैरोवाल की पूरक संधि के तहत एक रेजिडेंट रख दिया था राजा की देखरेख के लिए, प्रशासन की देखरेख के लिए, वही कंपनी की सेना अब आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रही है जो सिखों को पसंद नहीं है। दूसरा, मुल्तान के प्रांतपति का विद्रोह होता है। और क्यों होता है मुल्तान के प्रांतपति का विद्रोह? तो बेसिकली ब्रिटिश सरकार क्या करता है कि मूलराज के स्थान पर काहन सिंह को मुल्तान का प्रांतपति बना के भेजता है। और जब काहन सिंह को मूलराज अधिकार नहीं देना चाहता है तो दो अपने अफसर को काहन सिंह के साथ पंजाब भेजा जाता है, और पंजाब में उन दोनों अफसरों की क्या होती है, हत्या कर दी जाती है। हत्या क्यों कर दी जाती है? क्योंकि वो वहां पर अभद्र व्यवहार कर रहा था, इसलिए उसकी हत्या कर दी जाती है। मूल राज के विद्रोह को देखते हुए छतर सिंह अटारी वाला ने भी विद्रोह कर दिया। और उसके बाद सिखों ने क्या किया था, यानी कि सिख राज ने क्या किया था कि अफगानों के साथ भी मैत्री संबंध स्थापित कर लिए थे। ये सिख अफगान मैत्री संबंध भी अंग्रेजों को पसंद नहीं था। और अंग्रेजों को मौका कहाँ से मिल गया? तो जो पंजाब में हत्या कर दी जाती है दो ब्रिटिश अधिकारियों को, वही अंग्रेजों को युद्ध छेड़ने का मौका दे देता है। और इस समय का गवर्नर जनरल डलहौजी जो एक विलयवादी था, डलहौजी जो एक विलयवादी और साम्राज्यवादी गवर्नर था, साम्राज्यवादी गवर्नर जनरल था, वो ऐसे अवसर को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। और इसी को आधार बनाकर वो क्या करता है कि युद्ध छेड़ देता है। और युद्ध जब शुरुआत होती है द्वितीय आंगल सिख वॉर की, तो द्वितीय आंगल सिख वॉर में जब युद्ध की शुरुआत होती है तो बेसिकली क्या होता है कि इस समय भी युद्ध की जो शुरुआत होती है जनरल गफ के द्वारा युद्ध की शुरुआत की जाती है। जनरल गफ के द्वारा युद्ध की शुरुआत होती है। युद्ध की शुरुआत जनरल गफ के द्वारा की जाती है। और जनरल गफ के द्वारा जो सेकेंड एंग्लो सिख वॉर की शुरुआत की जाती है, तो इस युद्ध में क्या किया जाता है कि अंग्रेज मुल्तान को जीत लेते हैं। अंग्रेज मुल्तान को जीत लेते हैं। मुल्तान को जीत लिया जहां पर मूल राज का विद्रोह हुआ था, मुल्तान को जीत लिया। उसके बाद क्या करते हैं, मुल्तान को जीत लेते हैं। और फिर चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में एक चिलियावान का युद्ध होता है। चार्ल्स नेपियर जो अंग्रेजी सेनापति हो जाएगा, चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में चिलियावाला का युद्ध होता है। और इस चिलियावाला के युद्ध में भी सिखों को पराजित किया जाता है। चिलियावाला के युद्ध में सिख पराजित होते हैं। चिलियावाला के युद्ध में सिख पराजित होते हैं। और चिलियावाला के युद्ध में सिख पराजित होते हैं। एक गुजरात का भी युद्ध होता है जिसको तोपों का युद्ध कहा जाता है। गुजरात के युद्ध में भी सिख पराजित होते हैं, युद्ध में पराजित। और जब विभिन्न युद्धों में, इतना याद रखना है कि सेकेंड आंग्ल सिख के दौरान कई सारा मुल्तान में युद्ध होता है, मुल्तान को चिलियावान का युद्ध होता है, फिर छोटी सी तरफ गुजरात में भी होती है, तो उसमें पराजित होते हैं सिख। और जब सिख की पराजय होती है तो पराजय के बाद क्या होता है कि एक घोषणा के द्वारा 24 मार्च 1849 को पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता है। ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने की घोषणा कर दी जाती है। पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता है। पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता है। और इसके बाद उस समय के वहाँ के जो शासक होते हैं, ब्रिटिश शासक, इसको मिला लेते हैं। और जो उस समय वहाँ के महाराजा थे उनका नाम था दिलीप सिंह या दलीप सिंह कहते हैं। दिलीप सिंह को जो है उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए लंदन भेज देते हैं। महाराजा दिलीप सिंह जो है यहाँ के, इनको 50,000 वार्षिक पेंशन देकर लंदन भेज दिया जाता है। 50,000 वार्षिक पेंशन देकर कहाँ भेज दिया जाता है? तो वार्षिक पेंशन देकर इनको
लंदन भेज दिया जाता है, महाराजा दलीप सिंह को लंदन भेजा जाता है, और रानी जिंदा को जो रानी जिंदा जो उस समय एक शासकीय परिषद थी जो अल्पवयस्क दलीप सिंह की देखरेख के लिए बनाया गया था, तो रानी जिंदा को पंजाब के निकट शेखुपुरा भेज दिया जाता है। रानी जिंदा को कहाँ भेज दिया जाता है? तो शेखुपुरा भेज दिया जाता है, शेखुपुरा भेज दिया जाता है। और यही जो कोहिनूर हीरा अंग्रेजों को मिलता है, वो कोहिनूर हीरा जो है यहाँ से कहाँ भेज दिया जाता है? ब्रिटेन भेज दिया जाता है, जो कि महारानी के मुकुट में लगा हुआ है। तो इस तरीके से क्या होता है, आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि युद्ध का जो घटनाक्रम है वो कैसे चलता है। तो पहले तो कारण, कारण से किस तरीके से युद्ध में पहुंचते हैं, फिर जनरल गफ के द्वारा युद्ध की शुरुआत, मुल्तान को जीतते हैं, चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में चिलियावान के युद्ध में सिखों को पराजित करते हैं, फिर गुजरात के युद्ध में पराजित करते हैं, और 24 का विभिन्न युद्धों में सिखों को पराजित करने के बाद 24 मार्च 1849 को डलहौजी के द्वारा यह घोषणा कर दी जाती है कि पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया है। और फिर उस समय के जो शासक थे दलीप सिंह महाराजा, उनको 50,000 वार्षिक पेंशन देकर लंदन भेज दिया जाता है, इंग्लैंड भेज दिया जाता है, और रानी जिंदा को भी कहाँ भेज दिया जाता है? पंजाब में एक जगह शेखुपुरा भेज दिया जाता है। और इस तरह ब्रिटिश एक्सपेंशन का जो भारत में साम्राज्यवादी विस्तार का दौर था जो शुरू हुआ था बेसिकली एंग्लो कर्नाटक वॉर से, वह आंग्ल सिख युद्ध पर जाकर अंत हो जाता है, क्योंकि इससे पहले ही 1843 ईस्वी में क्योंकि इससे पहले ही 1843 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा सिंध का विलय कर लिया गया था। सिंध का विलय कर लिया गया था 1843 में, लॉर्ड एलनबरो के समय में 1843 में सिंध का विलय हो चुका था। तो जो फाइनली आपको ये ध्यान में रखना है कि जो पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय है, सिंध का जो ब्रिटिश साम्राज्य में विलय है, सिंध का विलय 1843, पंजाब का विलय 1849, ये दोनों ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीति का परिणाम था, एक। और दूसरा, जो प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध में अंग्रेज पराजित हुए थे, उस पराजय के समय इनको सिंध और पंजाब के सामरिक महत्व का पता चल चुका था, जो आपको मैंने पिछले डायग्राम में दिखाया था। तो उनको लग चुका था कि अफगानिस्तान पर नियंत्रण रखने के लिए या वहां तक अपनी पहुंच बनाए रखने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि यहाँ जो सिंध का राज्य था उस सिंध के क्षेत्र पर हमें कब्जा करना होगा, तभी हम अफगानिस्तान तक रसद हथियार गोला बारूद पहुंचा सकते हैं। और ये जो हम अभी डॉटेड एरिया बना रहे हैं, ये पूरा सिख राज्य था। इनको लग रहा था कि यदि इन क्षेत्रों पर हमारा नियंत्रण होगा तभी हम जो है तो अफगानिस्तान पर, तो बेसिकली जो आंग्ल सिख वार के तहत जो पंजाब का विलय हुआ वो अंग्रेजों की साम्राज्यवादी और विलयवादी नीति का परिणाम था, पहला पॉइंट। सिखों की कोई गलती नहीं थी इसमें, बल्कि उन पर युद्ध थोपा गया था। पहले युद्ध में भी आपने देखा कि ब्रिटिश सरकार ने सिखों को भड़काने वाले काम किए थे, और उसके बाद जो प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध में ये लोग पराजित हुए थे उस समय जो सामरिक महत्व का पता चल चुका था वो। और इसको बड़े तौर पर और गहन विश्लेषण के साथ जोड़ेंगे तो जो ब्रिटिश औद्योगिक क्रांति हो रही थी उस औद्योगिक क्रांति का भी इससे रिलेशन होगा, क्योंकि औद्योगिक क्रांति के कारण ब्रिटेन में सामान बड़े तेजी से उत्पादित हो रहे थे, वहां के उद्योगों को बाजार चाहिए था, कच्चे माल चाहिए था। इस दृष्टिकोण से जो सिंध है, जो पंजाब है, जो अवध है, ये सारे प्रदेश विशेष महत्व रखते थे। इसलिए अंग्रेज इस समय कोई भी ऐसा अवसर नहीं छोड़ना चाहते थे जिसके तहत साम्राज्य का विस्तार किया जाए और भारतीय क्षेत्र को अधिक से अधिक ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया जाए। इसी कॉन्सेप्ट के तहत आपको ध्यान से बसाना। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो ब्रिटिश साम्राज्यवादी विस्तार का जो दौर है भारत में, ये पूरी तरीके से आप समझ गए होंगे, जो कर्नाटक से शुरू हुआ और कैसे कैसे बंगाल, बंगाल से किस तरीके से मैसूर गए, मैसूर से किस तरीके से मराठा, मराठे से किस तरीके से सिख और सिंध का विलय हुआ। अब अगले लेक्चर में, चूंकि हम लोग ब्रिटिश एक्सपेंशन को अगले लेक्चर में कहाँ पर हम लोग पहुंचेंगे तो वो आपको ध्यान में रखना है। अगले लेक्चर में क्या है कि हम आपको एक तरीके से जो ब्रिटिश आर्थिक इतिहास कहते हैं उसको समझेंगे, ब्रिटिश आर्थिक इतिहास को समझेंगे, आर्थिक इतिहास में सब चीज को हम लोग जान लेंगे, तब जो है सो हम उस शोषण के विरुद्ध किस तरीके से प्रतिक्रिया होगी उसको जानेंगे।
तब तक इस वीडियो को संक्षिप्त बढ़ काफी महत्वपूर्ण है आपके लिए। इस वीडियो को सभी लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और 18 फरवरी से जो अनअकैडमी के नए बैच शुरुआत हो रहे हैं, तो उसमें आप यदि आईएएस का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अपना सब्सक्रिप्शन लीजिए, घर बैठे अपनी तैयारी कीजिए और अनअकैडमी के मार्गदर्शकों के नेतृत्व में आप अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। और 20 और 21 फरवरी को जो अनअकैडमी का समिट आयोजित हो रहा है, जिसमें आपको देश के जाने माने राजनीतिज्ञ, जो खेल कूद के जो हस्तियां हैं, वो जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनको सुनने का अवसर मिलेगा कि प्रशासन में कैसे एक सफल प्रशासक बने, कैसे काम करना होता है, कैसे आपको सिलेक्शन लेनी है, कैसे स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। तो ये समिट में आप भाग लें, आपको बहुत सारे हस्तियों से रूबरू होने का अवसर मिलेगा। आप उसमें अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं और फिर अपनी सफलता को एक कदम और आगे बढ़ा लें। और 28 फरवरी को जो है अनअकैडमी का कॉम्बाट होगा, इसमें आप पार्टिसिपेट करने के लिए मेरा जो रेफरल कोड शंकर YT है, आप इसका प्रयोग करें। इसकी टाइमिंग 11 AM है। जब आप इसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको इंडिया लेवल पर अपने प्रिपरेशन को जज करने का मौका मिलेगा और बहुत सारे एक्साइटिंग प्राइजेस भी आप इसमें जीत सकते हैं। आप जरूर इसमें पार्टिसिपेट करें, मेरा रेफरल कोड शंकर YT प्रयोग करें और आप इसमें इनरोल करें। और इस वीडियो को सभी लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि अधिक से अधिक लोग इसका बेनिफिट उठा सकें। और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जो ब्रिटिश आर्थिक इतिहास है उस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए सभी को थैंक यू है, धन्यवाद है।